Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon. नमस्कार, मेरा नाम पिंडू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, पत्रकारिता जगत में अगर मैं बात करूं, जर्नलिज्म के जगत में, तो आज तक जो है देश का एक प्रतिष्ठित चैनल माना जाता है और उसके एक एंकर हैं, नाम है चित्रा त्रिपाठी। चित्रा त्रिपाठी मशहूर एंकर हैं और आज तक के लिए कई बड़े बड़े प्रोग्राम कर चुकी हैं, लेकिन अब वो आज तक का हिस्सा नहीं है। उन्होंने आज तक से रेजिग्नेशन दे दिया है और नए चैनल को ज्वाइन कर लिया है। नए चैनल पर कौन सा पद मिला है उसको जानेंगे तो आप लोग चौंकेंगे। तो चलिए हम सिलसिलेवार तरीके से इस खबर की जानकारी आप सभी को साझा करते हैं। जी हाँ, बात करें तो देश की जानी मानी एंकर चित्रा त्रिपाठी के बारे में धमाकेदार खबर सामने आई है। चित्रा त्रिपाठी ने एबीपी न्यूज, जी हाँ, एबीपी न्यूज को ज्वाइन कर लिया है। एबीपी एक बड़ा चैनल है और उसमें कोई छोटा मोटा पद नहीं, डायरेक्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड न्यूज एंड प्रोग्रामिंग के पद पर ज्वाइन किया है। यानी कि प्रेसिडेंट और फिर वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि चैनल में दूसरे नंबर का औहदा अब जो है चित्रा त्रिपाठी रखने वाले हैं। चित्रा त्रिपाठी ने दो दिन पहले ही आज तक से इस्तीफा दिया था, यानी कि 11 अक्टूबर को रामनवमी के दिन शुभ मुहूर्त पर एबीपी न्यूज में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में ज्वाइन किया और अपनी जिम्मेदारी भी संभाल ली। चित्रा त्रिपाठी एबीपी न्यूज में प्राइम टाइम की रात 9 बजे की शो में एंकरिंग भी करेंगी। इसके अलावा एक चैनल के टॉक शो में आने वाले दिनों में भी काम करेंगी, जैसे कि दंगल नाम से उन्होंने आज तक पर किया था। चैनल पर बड़े प्रोग्राम के एंकरिंग और दिग्गजों के इंटरव्यू भी चित्रा करेंगी। चित्रा को अपने कामकाज के लिए फ्री हैंड दे दिया गया है, साथ ही एक बढ़िया केबिन भी मिला है। चित्रा त्रिपाठी के ज्वाइन करने के बाद ये साफ हो गया कि एबीपी न्यूज में कॉन्टेंट, प्रोग्राम और टीम को लेकर बड़ा बदलाव जो है वो होने वाला है। तो ये रही चित्रा त्रिपाठी की कहानी। चित्रा त्रिपाठी मशहूर एंकर हैं और आज तक छोड़कर अब वाइस प्रेसिडेंट के पद पर डायरेक्ट एबीपी न्यूज को ज्वाइन किया है। अब देखना ये होगा कि भैया चित्रा त्रिपाठी जिस तरीके से एबीपी न्यूज का हिस्सा बनी है, तो इस एबीपी न्यूज को कितने बड़े शिखर के बुलंदियों पर लेकर जाती है। बने रहिएगा, पल पल की अपडेट में आप सभी को बताते रहूंगा।